वेलकम टू माय चैनल athiya.com। मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ घर का बना शुद्ध देसी घी की रेसिपी। घर का बना शुद्ध देसी घी तो सभी को पसंद है, पर इसमें इतने सारे बर्तन हो जाते हैं चिकने के, इसे लोग घर पर निकालना कम पसंद करते हैं और इसको बनाने में समय भी बहुत लगता है। आज मैं आपको कम समय में कम बर्तनों के साथ आपको बताऊँगी किस तरीके से आप घर पर आसानी से घी निकाल सकते हैं। चलिए तो हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। ये मेरी गाय के दूध से निकली हुई 8 दिन की मलाई है, जिसको मैंने फ्रीजर में रखा हुआ था। मैंने इसको फ्रीजर से निकाल के 2 घंटे के लिए मैं बाहर रखूँगी इसे। फिर हम इसको एक बड़े बर्तन में, जिसका तला भारी हो, उसमें हम इसको डाल लेंगे। इस तरह से हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। ये मेरा दूध का भगोना है, इसमें आज की मलाई थी, मैंने उसी में ही निकाल लिया है क्योंकि इसका तला मोटा है और आज की मलाई का भी यूज़ हो जाएगा। इस तरह से मेरा यही एक बर्तन ख़राब हुआ है। उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरह से हम इसको चलाते हुए फेंटेंगे। अगर आपकी मलाई फ्रीजर की ठंडी है और आपने उसको 2 घंटे के लिए बाहर निकाल के छोड़ दिया है, तो 3 से 4 मिनट तक में ही ये निकल आएगा। इस तरह से चलाते हुए 4-5 मिनट में ही ये निकल आएगा। ये देखिए, अभी मुझे चलाते हुए 2 से 3 ही मिनट हुए हैं और मेरी मलाई में से घी मक्खन निकलने आ गया है। 1 मिनट तक मैं और चलाऊंगी और ये मक्खन निकल आएगा। ये देखिए, मुझे मुश्किल से 1/2 मिनट हुआ है, 1 मिनट भी पूरा नहीं हुआ और ये निकलना शुरू हो गया। अगर आपकी मलाई जितनी ज़्यादा ठंडी होगी वो उतनी जल्दी निकल आएगी। मेरी मलाई बहुत ही ठंडी थी, 3 मिनट में ये आपका मक्खन निकलना शुरू हो गया। ये देखिए, मच चुकी है मलाई, निकल चुकी, निकल आया है मक्खन इसमें से। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसमें पानी ऐड करें, चाहे तो ना करें, इसको इस तरीके से फेंटते जाएंगे, ये अपने आप इसका दूध निकल जाएगा और मक्खन निकल आएगा। बस नहीं है कि ठंडा होने के बाद थोड़ी सी टाइट हो जाती है। पर इस तरीके से बहुत ही जल्दी मक्खन निकल आता है। बस 1 मिनट में मक्खन और चलाऊंगी मैं और मक्खन मेरा निकल आएगा। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करके हम इसे चलाएंगे। इसमें मैंने दही नहीं डाला था तो ये मेरा दूध ही निकलेगा। इसमें आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ये थोड़ा सा चलाते हुए टाइट हो जाता है। 1 मिनट या 1/2 मिनट को आपको थोड़ा सा टाइट हाथों से चलाना पड़ेगा और इसका दूध निकलना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, 1/2 मिनट चलाने के बाद इस तरह से इसमें दूध निकलना शुरू हो गया है। अब हमको इसे
आधा मिनट और चलाना है, अब हमारा मक्खन रेडी हो जाएगा। ये देखिए आधा मिनट के बाद हमारा दूध अलग हो गया है और मक्खन निकल आया है। अब हम इस दूध को एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। इस दूध को हम अलग बर्तन में निकाल लेंगे। इस दूध में मैंने दही नहीं ऐड किया था, इसलिए ये बिल्कुल दूधी है। इसका यूज़ मैं पनीर बनाने में भी कर सकती हूँ और भी कई चीज़ों में मैं इसका यूज़ करती हूँ। और आप चाहें तो इसमें दही डाल दीजिए जिससे ये जम जाएगा, और दही को आप किसी भी रेसिपी के साथ यूज़ कर सकते हैं। इसके दही को इस तरह से मैंने ये सारा दूध निकाल लिया है। इस तरह से ये मेरी 9 दिन की मलाई का घी है। 8 दिन की मेरी कटोरे में थी जो फ्रीजर में थी, और 1 दिन का आज का दूध की थी ये मलाई। इस तरह से हम इसको अब गैस पर चढ़ा देंगे। गैस का फ्लेम हाई रखें, हाई रखते हुए इसे मेल्ट होने देंगे। अब ये पूरी तरह से मेल्ट हो चुका है। अब हम इसको चलाते हुए पकाएंगे जिससे कि ये बाहर गिरे नहीं और इसके तले में लगे नहीं। इस तरह से हम इसको चलाते हुए हाई फ्लेम में पकाएंगे। ये देखिए हमारा इसमें से घी निकलने लगा है। हम इसको गोल्डन ब्राउन होने तक निकालेंगे। ये जितना गोल्डन ब्राउन होगा उतना ही ज़्यादा घी निकलेगा, उसका मावा। अब हम इसके गैस के फ्लेम को सिम कर देंगे और इसको धीरे धीरे पकने देंगे। इस तरह से मैंने गाय का शुद्ध देसी घी निकाल लिया है। है ना आसान? बहुत ही आसान है। आप भी मेरी इस तरीके से आप भी निकालिए जैसे मैंने निकाला है, और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। इस तरह से मक्खन निकालने से मावा भी बहुत कम निकलता है। ये देखिए बहुत ही कम इसका जो नीचे बचा हुआ निकलता है। इस तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुका है, हमारा घी रेडी हो चुका है। हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने के बाद हम इसको एक बोतल में रख लेंगे छान कर। ये देखिए इस तरह से मुझे मक्खन से घी तक रेडी करने में 30 से 35 मिनट का समय लगा, और मेरा घी इस समय रेडी हो गया है। ये मेरी 9 दिन की मलाई में गाय का घी इतना रेडी हो गया है। अब मैं इसे स्टोर करके बोतल भरी है मेरी।